हेलो एवरीवन। सो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे सोसाइटी में बिल्कुल भी कोई चहल पहल नहीं है, क्योंकि पूरा लगा हुआ है कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पे और हमारी सोसाइटी भी इस समय सील्ड है। लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बस अब किचन में चाय बनाने जा रहा हूँ। सो अभी पियेंगे चाय, उसके बाद कुछ सोचा है। आज क्या है, मदर्स डे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज वेदिका और मम्मी भी आई हुई हैं अभी घर पे, उनके लिए पानी पूरी बनाई जाए। मैं आपके साथ शेयर करूँगा रेसिपी उसकी। लेट्स गो टू द किचन। मैं चाय बनाने आ गया हूँ यहाँ पे और पहले बनाते हैं चाय, फिर उसके बाद पानी पूरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी में कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, मैंने ऑटोमेटिकली मंगवाई हुई है पहले से ही बाहर से, और इसमें बस जो पानी पूरी है उसको फ्राई करना है, और बाकी इसमें पानी भी, पानी का मसाला भी सब जगह है, सारे मतलब फ्लेवर का है, मीठा, नमकीन, और इसके साथ चटनी भी है खजूर इमली की। ठीक है, ये बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मैं कैसे बना रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। मैं आपको ये पैकेट दिखाता हूँ अभी। इस पैकेट में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें है ये पानी पूरी जो कि मुझे फ्राई करनी होगी, और इसमें करीब 50 पीसेस हैं। उसके बाद इसमें है पुदीना पानी का पाउडर है, जो करीब आधा लीटर पानी में आप मिला के और अपने स्वाद अनुसार इसमें पानी बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद है खजूर इमली चटनी, जिसको चटनी के साथ खाना होता है, आलू वगैरह लगा के स्टफिंग के लिए। आप जो मीठा पसंद करते हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला है खट्टा मीठा पानी। एक और चीज़, आप इसको भी अगर आप इस टाइप का पानी अगर आप पीना आप खाना चाहते हैं गोलगप्पे के साथ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें सरसों का तेल मैं डाल देता हूँ। ये रहे पानी पूरी, अब इसको मैं तेल में डालूंगा जैसे तेल गर्म हो जाएगा। इसको पहले फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि अभी ये फ्राई हो पा रहा है या नहीं। इसमें बड़ा अच्छा सा, एक बहुत बिल्कुल फूला फूला सा पानी पूरी, एक पानी पूरी हमारी तैयार है। गोलगप्पे तो सारे सिक गए हैं, अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर इनको खाया जाएगा, जब तक हम बना लेते हैं पानी। पानी से पहले मैं सोच रहा हूँ पहले आलू का मसाला बना लेते हैं, और उसके बाद पानी तो बहुत इंस्टेंटली बन जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना, बस पाउडर को पानी में डाल देना है और बस तैयार है पानी हमारा। यहाँ पे वरुण बना रहे हैं आलू का मसाला, और हम जो गोलगप्पे के साथ मसाला खाते हैं ना, वो सिंपल आलू प्याज का खाते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं चाट मसाला, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चाहे तो थोड़ा सा धनिया पाउडर। कुछ लोग ना छोले भी ऐड करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा उसे फ्राई करके खाते हैं छोले को, बहुत सारे तरीके का बनता है, बट हम लोगों को ना सिंपल ही अच्छा लगता है आलू और प्याज वाला मसाला। उसमें ना बस थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दो आलू ले लिए हैं एंड एक बड़ा सा प्याज ले लिया, उसको बहुत ही फाइन चॉप करके उसमें थोड़े से मसाले ऐड करके, एंड दैट्स इट, हमारा पानी पूरी का जो मसाला है, जो फिलिंग है, वो रेडी हो गई है। और पता है ये पानी पूरी भी ठीक रहती है, मतलब नॉट सो गुड और नॉट सो बैड कह सकते हैं। इसमें
डाल के ये पूरा जो है पुदीना पानी पाउडर को मैं इसमें डाल देता हूँ। आपको लाइक कभी क्रेविंग हो रही है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम मार्केट का खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने ना ये वाले पैकेट्स मंगा लिए हैं 5-6, इसमें प्रॉपर आपको 50 गोलगप्पे मिल जाते हैं। एंड पता है ये वाले 50 गोलगप्पे आप इजीली खा जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये चिप्स पापड़ टाइप्स होते हैं और पानी भी आपको मिल जाता है, आपको कुछ खटराक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इट्स ओके, इस टाइप का है, खा सकते हैं। तो ये बन गए हैं बहुत ही टेस्टी वाले गोलगप्पे एंड काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये है मीठी चटनी जो बहुत ही टेस्टी है, ये है खट्टा मीठा इमली वाला पानी, ये है आलू एंड ये है तीखा पानी। सो ये हमारी गोलगप्पा पार्टी होने वाली है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का व्लॉग ना वरुण ने स्टार्ट किया था, इवन वरुण ने ही बनाया था अभी तक। अभी शाम हो गई है, शाम नहीं रात हो गई है, 7:10 या 10:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी, पर मैं वॉक करते करते थक गई। एंड फिर मुझे याद आया कि व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, व्लॉग स्टार्ट तो हुआ था बट वो अभी चल ही रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैं चल रही हूँ बेड रेस्ट पर प्रॉपर, तो मैं इतना वॉक नहीं करती हूँ, बट हाँ मतलब इतना उठती नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए 5-10 मिनट बीच बीच में कभी कभी उठ जाती हूँ थोड़ा बहुत। गोलगप्पे खा के ना बहुत पेट भारी हो गया था। गोलगप्पे वैसे हमने कितने बजे खाए थे, 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने फिर थोड़ा सा नैप भी ले लिया था एक छोटा सा, उसके बाद मैंने एक टमाटर भी खा लिया, बट फिर भी पता नहीं क्यों भारी भारी लग रहा था। और अभी सब लोग कर रहे हैं डिनर, सब लोग ने ताऊजी कर रहे हैं, मतलब मम्मी बना रही है। मैंने अपनी एक रोटी बनवा के रख दी है, वरुण ने अपनी 2 रोटी बनवा के रख दी हैं, क्योंकि सबका पेट ना भरा भरा हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि पहले रोटी खाने से पहले मैं अपना शेक प्रोटीन शेक पी लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर रोटी खा लें तो प्रोटीन शेक मैं बिल्कुल नहीं पी पाऊँगी। तो अभी दूध मैंने बोला है वरुण से कि यार मेरा दूध कर दो प्रोटीन शेक डाल के। और प्रोटीन शेक मुझे डॉक्टर ने दिखा था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी भी कौन सा प्रोटीन शेक था। तो बेसिकली मेरी ना अभी 3 चीज़ चल रही हैं। मल्टीविटामिन तो मैं ले रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं डेली नहीं लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ कभी कभी। और कैल्शियम चल रहा है लंच के बाद, और आयरन चल रहा है मेरा डिनर के बाद, और रात में प्रोटीन शेक दूध में 2 चम्मच, ठीक है। तो कभी आधा ग्लास दूध ले लेती हूँ, डिपेंड करता है कि मैं कितना पी सकती हूँ उस टाइम पे, आधा ग्लास पौन ग्लास, तो उस हिसाब से है बस। तो आज पहले मैं पीने वाली हूँ दूध, फिर रात में खाना खाऊंगी, क्योंकि रोटी का मेरा है कि मैं खा लेती हूँ, बट अगर रोटी खा लूँ ना फिर मुझे दूध पीने में भारी लगता है और फिर मेरे को ना लेटा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी हैवी लगने लगता है, ऊपर आ रहा है इस टाइप से लगने लगता है। एंड ब्लड टेस्ट मेरा कल हो गया था, मतलब कल मैंने आपके साथ वीडियो शूट किया था ना, कल ही मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था, पर ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है वो 2 या 3 दिन के बाद आएंगी। तो कल मैं आपको अपडेटेड वीडियो बताऊंगी कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, स्कैन हुआ था, उसमें क्या आया था एंड क्या था क्या नहीं था, कल वो बताऊंगी। और जब से मम्मी आई है तब से मैंने व्लॉग नहीं किया है, आज मैं सोच रही हूँ आपको मम्मी से भी मिलवा देती हूँ, ताऊजी से भी मिलवा देती हूँ। तो चलो किचन में चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। आज मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को फाइनली सबसे, ताऊजी भी देख रहे हैं न्यूज। हाय ताऊजी, हाय। मैंने हाय किया, मम्मी को लगा पता नहीं कौन आ गया, मम्मी किससे हाय करना है। हेलो हेलो, मैं बिजी हूँ खाना बनाने में, खाना बन चुका है, बच गया। एंड ये कर रही है मेरा दूध गरम, और ना थोड़ा कुक कर दिया दूध गरम, मैंने तो बिल्कुल हाफ बोला था, छोटा वाला है, अरे ऐसे करता है पूरा कप हो गया, ये तो बड़ा सा एकदम। तो बस ये सारी चीजें चल रही हैं। और यहाँ पे ना मैंने येलो वाली लाइट ऑन कर रखी है, बड़ा अच्छा लगता है। बालकनी में मैं अभी आपसे बातें कर रही थी तो मैंने एक लाइट ऑन कर ली, क्योंकि फिर अंधेरा रहता है तो फिर बात भी नहीं होती एंड मैं दिखती भी नहीं। खाने में आज बना है भिंडी की सब्जी, रायता और रोटी। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस पे बैठी हूँ, एक स्टूल है मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो गुड़िया मौसी ने ना भेज दिया था, तो मैं उस पे बैठी हूँ। मुझे पता था कि भाई तू इसे ले जा, ये तेरे काम आएगा काम आएगा। सो फाइनली मैं इस पे बैठ के इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर रही हूँ। नीचे नहीं बैठ रही हूँ आजकल, मैं इस पे बैठती हूँ, वरना तो मैं 99% बेड रेस्ट कर रही हूँ। और पता है मम्मी कहने से सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मम्मी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना सब कुछ मम्मी कर रही हैं, सब कुछ लिटरली। एंड मैं तो क्या, इवन वरुण का भी सहयोग है, क्योंकि फिर वरुण को करना पड़ता था, ऑफिस भी रहता था काम भी पड़ जाता था। अभी क्या है, मैं तो पूरा रेस्ट करती हूँ बेड रेस्ट,
वरुण प्रॉपर ऑफिस कर पा रहे हैं एंड मम्मी पूरा काम कर लेती हैं यार, मतलब लिटरली हम लोग सुबह उठते हैं। अच्छा आप लोग अगर चाहते हो तो मैं मम्मी का ना पूरा रूटीन शेयर करूँगी, फुल डे रूटीन। मम्मी पूरा सुबह हम लोगों के उठने से पहले मेरा वरुण कैसे झाड़ू पोछा कर लेती हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हैं, टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है। तो अभी मैं हेल्थ वाइज भी ना थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, मच्छर काट रहे हैं। आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ी सी बारिश भी हुई थी जब मैं सो गई थी, तो मैंने सुना था बारिश हो रही है बारिश हो रही है बारिश हो रही है। आज पता है क्या हुआ, मैंने थ्रेडिंग किया ना, आपको मेरी थ्रेडिंग में कुछ कमी लग रही है क्या? हाँ मच्छर, क्या कमी हुई है कि यहाँ से ना मैंने एक स्ट्रिप ज़्यादा लगा ली है, थोड़ी सी यहाँ से दो चार उड़ गया है बाल, बट कोई बात नहीं, मेरी थ्रेडिंग बहुत ही जल्दी आ जाती है तो वो आ जाएगी। चलो मैं 5 मिनट टहलती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो मेरा जो दूध है वो भी आ चुका है, प्रोटीन शेक वाला, बट ये बहुत ज़्यादा दे दिया आज आपने। और कोई बात नहीं, ये कब भी पतला है थोड़ा, ये झूठ है। और आज पता है वरुण ने क्या किया है, मेरा ये वाला पूरा स्टूल साफ किया है, बस बस मिक्स हो गया, थैंक यू, पूरा स्टूल क्लीन किया है। एंड मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना एक बास्केट रख लिया है और इसमें मेरी सारी मेडिसिन है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी मेडिसिन चल रही हैं। और ये मेरा 3 प्लग है, कैमरे चार्जिंग का, फ़ोन का चार्जर, यहाँ डेट्स रखे हैं, मेरी बॉटल, मैंने ना बॉटल चेंज करी थी, कोई वाली चेंज करके पी लिया है। और इसमें मेरा डेली का सामान रखा है, बेसिक्स जो मुझे चाहिए होता है। सो वरुण ने ये सारा साफ़ किया है। एक तो देखो मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है, लाइक कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो डाइजीन, उन्होंने बोला है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है, सो आप ये ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिंट फ्लेवर में है तो मैं ये ले लेती हूँ, बट बहुत ही कम, अभी मुझे इतनी नीड नहीं हो रही है। एंड ये दोनों मैं रात में यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट अभी पता है मन ऐसा हो गया यार, कुछ स्किन केयर कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ये सीरम है। और ये पता नहीं मैंने कब लगाया था लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं है। और ये मेडिसिन है मेरी किसकी, ये शायद आयरन की है ना, शायद ये आयरन की मेडिसिन है, हाँ मेरे ख्याल से शायद। और ये है, और ये वाली भी कैल्शियम की मेडिसिन हैं, और ये है मल्टी विटामिन्स, ये है, और ये आयरन की। तो अभी ना इस पूरे मंथ में शायद वरुण ने ना पूरी 1 महीने की मंगा ली थी, तो मल्टी विटामिन हैं, ये कैल्शियम की है और ये आयरन की है। सो ये काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, मैं सब यहीं पे रखती हूँ ताकि मिस ना हो जाएं। और नील कटर है मेरा, एक क्लचर रहता है, एक लिप बाम रहता है, डाइजीन रहता है, और ये रहता है फेस इल्यूमिनेटिंग सीरम, एंड ये बस दैट्स इट। जो मेरा ज़रूरी सामान है ना वो मैंने इस बास्केट में रख लिया है। और यहाँ पे मैं एक अपना कोम्ब लगा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। अभी सॉर्टेड लग रहा है ना, वरना पूरा फैला हुआ रहता था, तो मैंने बास्केट दी, वरुण ने पूरा सेट कर दिया। एंड एक ये है मेडिसिन। चलो मैं फिर दूध पीने के बाद मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और मैं ना अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि ब्लॉग तो एंड ही नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, 9:43 हो रहा है। आज मेरा रूटीन जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी टाइम से चल रहा है, 9:43 हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया है। और वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना आज, बहुत ज़्यादा ठंडा, शायद रात में बारिश भी आई थी, बट अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर का, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी थोड़ा सा। एंड व्लॉग एडिट करते टाइम मुझे पता चला एंड नहीं हुआ है, तो मेरे को लगा कि ठीक है इसको एंड कर देते हैं व्लॉग को, एंड फिर एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई चिट चैट वीडियो मैं अभी शूट करती हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। कल आते ना फिर मैं दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद ही सो गई थी, मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए व्लॉग एंड नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि मैं जब खाना खाऊंगी तो मैं व्लॉग एंड कर दूंगी, फिर नींद इतनी तेज़ आई कि मैं सो गई 11:30 बजे तक, तो व्लॉग एंड नहीं हुआ और मुझे याद भी नहीं था कि एंड नहीं हो पाया। फिर मैंने मॉर्निंग में अभी जब एडिट करने बैठी ब्रेकफास्ट करने के बाद, तब मैंने देखा ओप्स व्लॉग एंड नहीं हुआ है। सो ये वाला व्लॉग ना अभी पहुंच जाएगा आपके पास, शायद 11 बजे तक पहुंच जाएगा, अभी टाइम हो रहा है 9:45, 11 बजे तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। और बाहर का वेदर दिखाती हूँ, कमेंट करना किस किस के वहाँ पे आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मैं दिखाती हूँ बाहर का। सो ये देखो आपको ना बाहर दिख रही होगी टॉवल कितनी मस्त उड़ रही है, यहाँ से ना गेट खोलने के बाद बहुत ठंडी हवा आती है यार, ये देखो मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना ठंडा वेदर हो रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड ये मेरा क्यूट सा स्टिकर, यह पता है ये स्टिकर बहुत ही अच्छा लगता है जब या तो कर्टेन अगर डला हो तो पूरा रेडिश हो जाता है, एंड देन ये स्टिकर देखो बहुत अच्छा लगता है, या फिर ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है।
सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड इसको मैं करती हूँ ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा मदर्स डे का छोटा सा सेलिब्रेशन। एंड अगर अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक करना बहुत सारा, शेयर करना बहुत सारा प्यार दिखाना, कॉमेंट्स करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।